अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इनोवेट एट के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं और मोहसिन फरीद साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन साहब पाकिस्तान से डिवाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी कंपनी मेजरली किस एरिया के अंदर काम कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी कंपनी इनोवेट एट प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज देती है। हम इंटरनेशनल कस्टमर से डिमांड लेते हैं। सपोज उनके पास कोई आइडिया रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो ये काम करती हो, इस तरह की उसकी शेप हो और ये उसके अंदर फीचर्स हो, वो डिमांड लेके हम उनको यहाँ पे डिज़ाइन करके पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। जैसे कि ये एक प्रोटोटाइप है, ये हमने जर्मनी की कंपनी के लिए बनाया है। ये बनाने के बाद हम उनको यहाँ से शिप करते हैं, जहाँ वहाँ जाके उसकी टेस्टिंग करते हैं और कोई चेंजेस वगैरह करनी हो हमें बता देते हैं, फिर हम नेक्स्ट रिज्यूम बनाते हैं और उसके बाद हम उसको यहाँ से प्रोडक्शन करवा के वहाँ पे उनको बेचते हैं, जहाँ और वो अपने वहाँ पे सेल करते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपने डिस्प्ले किए? अभी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं, जैसा कि ये एक है USB कार्ड रीडर विद बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। इसमें आपका डाटा आपके थम स्कैन से ही रीड हो सकता है, राइट हो सकता है। इसके अलावा कोई इसको रीड राइट नहीं कर सकता, इसको डबल लेयर सिक्योरिटी इसके ऊपर लगती है। एक ये हमने अपने जर्मनी की कंपनी के लिए, एक ये हमारी प्रोडक्ट है जो हमने अमेरिका के एक ब्यूटिशियन है उनके लिए बनाई है। ये मोटराइज्ड ब्लेंडिंग ब्रश, मोटराइज्ड आँखों के ऊपर मेकअप करने के लिए मोटराइज्ड ब्रश है, खुद ही घूमेगा और आपने करना है और USB से इसकी चार्जिंग हो जाएगी। और इसके अलावा ये एक मास्क है जो कि आपके ओकुलस के साथ अटैच हो जाएगा। ओकुलस आपको 3D व्यू देता है, ये मास्क आपके 3D व्यू को 4D व्यू में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे? इसमें फैन है, इसमें मिस्ट है, अरोमा, खुशबू, वाइब्रेशन मोटर्स है। आप ऑकुलस में कोई व्यू देख रहे हैं और वहाँ पे हवा चल रही है तो ये फैन ऑन होंगे, आपको फील होगी हवा। अगर बारिश का कोई सीन है तो ये मिस्ट आपके ऊपर हल्की हल्की बूंदे फेंकेंगी, हवा फेंकेगी, आपको लगेगा वाकई बारिश आपको फील होगी। इसी तरह किसी इन्वायरमेंट में कोई खुशबू आ रही है तो वहाँ यहाँ से आपको वो खुशबू रियल में फील होगी। तो ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को 4D में कन्वर्ट कर देती है। ये हमने प्रोडक्ट बनाई है इटली के क्लाइंट के लिए और ये इटली में इंशाल्लाह जो है जून में, इसी साल जून में ये लॉन्च होगी प्रोडक्ट। इसके अलावा पाकिस्तान में हमने अपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, ये है आपका वाईफाई राउटर UPS। आपके राउटर्स को आपके घर के UPS से अलग कर देगा। इसका अडॉप्टर कितना आपने लगाना है, सिंपल प्लग एंड प्ले है। घर का UPS बंद होने के बाद आपको 4.5 घंटे तक आपको नॉन स्टॉप इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये आप जानते हैं कि फ्रीलांसिंग का बहुत ट्रेंड है यहाँ पे, तो जो जो लोग जिनका बिजनेस इंटरनेट पर डिपेंडेंट है उनके लिए हमने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, डिज़ाइंड, फैब्रिकेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो ये आपके पास कैसे लोग रابطہ करते हैं, और दूसरी बात ये कि आइडिया कैसे आया कि यार ये चीज़ें यहाँ बने और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हों? मेरा कोई 10 साल का एक तजर्बा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और अब आपको पता है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत महदूद हो गई है, तो लिंक्डइन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोग मुझसे रابطہ करते हैं। जब वो देखते हैं कि मैं जब शेयर करता हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं तो वो रابطہ करते हैं मुझसे कि अच्छा क्या आप ये बना सकते हैं, हमारे पास एक आइडिया है, हम चाह रहे हैं कि आप कम्प्लीट प्रोडक्ट हमें बना कर भेजें, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट या मैकेनिकल पार्ट। तो हम उनसे आइडिया लेते हैं और उनको पूरी की पूरी एक चलती हुई डिवाइस या प्रोडक्ट बना के यहाँ से हम उनको बना के शिप कर देते हैं। तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको एक ही जगह से पूरी पूरी मुकम्मल डिवाइस मिल जाती है। इसको आप अपने कोई पेटेंट कराते हैं या ये उनकी प्रोडक्ट होती है, किस तरीके से? हाँ अच्छा, ये भी हमारी जब डील होती है तो उसमें ये हम रखते हैं कि क्या इसके IP राइट्स कस्टमर के पास होंगे या हमारे पास होंगे। कुछ कंपनीज हैं वो तो IP राइट अपने पास रखना चाहती हैं तो हमसे NDA वगैरह साइन करवा के सारा करती हैं, कुछ कंपनी जो हैं वो नहीं करती, उनके राइट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, हम उनको कहीं और भी लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमारी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, आप हमें बस ये चाहिए, बाकी आपने जो करना है मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।